कोनिच्वा। तो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। यो 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 एनिमल लवर्स, आज का वीडियो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है ऑफ रोकुशिकी। क्या है रोकुशिकी, कैसे टाइप के होते हैं रोकुशिकी, सब एकदम मस्त वे में तुमको आज मैं समझा देगा। और अभी मैं बोल दे रहा कि जो भी मैं इस वीडियो में बताएगा ना, वो सब गूगल में तुमको इजीली मिल जाएगा इंग्लिश में। तो अगर कमेंट करना है कि तूने बस ट्रांसलेट करके वीडियो बना दिया है, तो अभी कर लो, ठीक है, कोई अभी टाइम है, थोड़ा सा कर लो। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो गूगल में सर्च करके मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि वो आलसी है मेरे जैसे, और उनके लिए भी जिन्होंने ट्राई किया रीड करने का बट झाट उनको कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा मज़ा फील करने के लिए मैं तुमको इंट्रो सुना देता हूँ। ले यार सुन लो, लेट्स बिगिन। पहले तो मैं तुमको बता देता कि रोकुशिकी क्या होता है। रोकुशिकी एक स्पेशल सुपर ह्यूमन मार्शल आर्ट स्टाइल है जिसको मास्टर कर रखे होते हैं साइफर फोल्क के मेंबर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन लोग ही बस यूज़ करते हैं, कुछ मरीन्स भी रोकुशिकी को यूज़ करते हुए दिखे हैं अपने को। इंग्लिश में इसको सिक्स पावर्स के नाम से जाना जाता है, और ये सिक्स पावर्स एक्चुअली सिक्स टेक्निक्स होती है जिसको मास्टर करने से कोई भी एकदम हद वाला सुपर ह्यूमन बन सकता है, आई मीन सुपर ह्यूमन जैसा पावरफुल हो सकता है। रॉब लुच्ची, जिसने ऑलरेडी रोकुशिकी को मास्टर कर रखा है, बोला था कि जो कोई भी रोकुशिकी मास्टर कर लेता है उसका 100 आदमी जितना पावर रहता है। और कुछ लोग ना ये 6 टेक्निक्स को मास्टर करके इनमें से किसी एक टेक्निक को अपना बेस्ट बनाते हैं। अब मैं तुमको एक्सप्लेन करता है ये 6 पावर्स उर्फ रोकुशिकी। सबसे पहला टेक्निक है तेक्काई, जिसको अंग्रेजी में आयरन बॉडी बोलते हैं। तेक्काई में यूज़र अपने बॉडी को एकदम आयरन के जैसे मजबूत बना लेता है अपने मसल्स को हार्डन करके, और आयरन जैसा बॉडी हो जाने की वजह से यूज़र का डिफेंस बहुत तगड़ा हो जाता है इवन विदाउट आर्मामेंट हाकी। बट इस तगड़े डिफेंस को तोड़ा जा सकता है थ्रू स्ट्रॉन्ग ऑफेंस, जैसे कि लुच्ची के तेक्काई यूज़ करने के बाद भी लूफी ने उसको डैमेज किया था। सिमिलर वे में जोरो ने काकू को, सांजी ने जाबरा को भर दिया था। मैक्सिमम कैरेक्टर्स तेक्काई को यूज़ करते टाइम मूव नहीं कर सकते। मैक्सिमम मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक बंदा जाबरा तेक्का यूज़ करते करते अटैक कर सकता है, एंड द रीज़न इज़ कि वो तेक्काई को सबसे ज़्यादा मास्टर कर रखा है। और हाँ, तेक्काई नॉन फिजिकल अटैक्स के अगेंस्ट कुछ काम का नहीं है, मतलब मेरे को कोई मुक्का मारने वाला है, मैं तेक्काई यूज़ किया, मेरे को मुक्का पड़ा लेकिन तेक्काई की वजह से मेरे को पेन फील नहीं हुआ, अनलेस मुक्का मारने वाला मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं अगर मेरे को हानकॉक मेरो मेरो नोमी के पावर से पत्थर बनाने जा रही और तब मैं तेक्का यूज़ कर रहा सोच के कि मैं इससे भी बच जाऊँगा, तब ऐसा सीन नहीं होगा। एक तो हानकॉक सेक्सी भी है तो मैं तो पक्का पत्थर बन जाऊंगा, एंड बिकॉज हानकॉक का मेरा मेरा नोमी एक नॉन फिजिकल अटैक है, उससे मैं तेक्का यूज़ करके नहीं बच पाएगा। मतलब मैं तुमको अपने पर्सपेक्टिव से एग्जांपल देके बताया। एंड इसमें कोई जितना ज़्यादा मास्टरी करेगा वो उतना ज़्यादा अपने पेन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर पाएगा। सब मूव्स जिसमें तेक्काई इन्वॉल्व है वो है तेक्काई केनपो, तेक्काई मुशिकाकू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड जो पावर है, बाय द वे मैं ये एकदम सीक्वेंस में नहीं बता रहा, ठीक है, दिस इज़ रैंडमली सॉर्टेड। तो सेकेंड नंबर पे जो रोकुशिकी आता है वो है कामिए, जिसको अंग्रेजी में पेपर आर्ट भी बोलते हैं। कामिए में यूज़र अपने बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल बना देता है और यूज़र फास्ट फास्ट अटैक्स को एकदम पेपर की तरह अपने बॉडी को मोड़ मुड़ा के डॉज कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी सेम सीन है कि अगर ओपोनेंट ज़्यादा फास्ट हुआ तो फिर उसके अटैक्स यूज़र को लगेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, दिस पावर इज कूल। मैं तो ये पावर गेन करके स्कूल में सबकी गुद्दी तोड़ दूंगा और फिर अपनी क्रश के सामने स्ट्रॉन्गेस्ट होने का फ्लेक्स करूंगा, मस्त इम्प्रेस हो जाएगी वो। वैसे इस एबिलिटी को हमने ज़्यादा नहीं देखा है, इट इज़ समथिंग लाइक ऑब्जर्वेशन हाकी, बट उसे थोड़ा कम कुछ अटैक्स, कुछ मतलब दो ही बताएगा मैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा एग्जांपल देने का मन नहीं कर रहा। तो दो अटैक्स इसमें कामिए इन्वॉल्व था, दैट इज़ कामिए स्लाइम एंड साइमे काइकान काइजो। आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया, बट यस। थर्ड पावर रांक्याकू, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्पेस्ट किक। रांक्याकू में यूज़र अपने पैरों से इतने फास्ट और पावरफुल किक्स फेंकता है ना कि उससे स्ट्रॉन्ग एयर स्लैशेस टाइप निकलता है, मोर लाइक विंड के स्लैशेस, जिसको कामाकाजे भी बोलते हैं। और ये कामाकाजे किसी भी चीज़ को एकदम तुरंत कट कर देता है। सेम वे में जोरो भी अपने स्वर्ड से कर सकता है, तुमने देख रखा होगा जोरो वो वानों के ओपनिंग में कैसे वो छोटे से चाकू से विंड स्लैश टाइप फेंक के उस क्रिमिनल को मार दिया था, वैसे ही ये भी होता है। बट ये हाकी से नहीं बल्कि पैरों के ताकत से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पैरों से ही इस टेक्निक को यूज़ किया जाए। रांक्याकू को काकू अपने जिराफ वाले लंबे गर्दन से भी कर पा रहा था और इस टेक्निक को मास्टर कर रखा है काकू। वो अपने योनतोरियों में रांक्याकू को घुसा के सेक्सी सेक्सी कॉम्बोस कर सकता है, लेकिन हर रोकुशिकी की तरह इसका भी काउंटर है। जैसे अगर ओपोनेंट फास्ट और स्ट्रांग है तो इन विंड स्लैशेस को टैंक और डॉज किया जा सकता है।
जोरो ने अपने स्वर्ड्स की हेल्प से इजिली काकू के बहुत रैंक याकू को टैंक कर दिया था दो अटैक्स, जो कि इस पावर को और टेक्निक या फिर पावर टेक्निक है लेकिन पावर बोलते हैं टेक्निक को इन्वॉल्व करता है वो है रांक्याकू सेन और रांक्याकू हाकुराए। चौथा रोकुशिकी है सोरू, जिसको अंग्रेजी में शेव भी बोलते हैं, वो दाढ़ी बनाने वाला नहीं शेव वाला शेव, जिसको यूज करके यूजर एकदम हाई स्पीड में अटैक्स कर भी सकता है और उसको डॉज भी कर सकता है। इसको यूज करने के लिए यूजर को 10 बार जमीन में किक करना होता है आकर के एक बार ब्लिंक करने से पहले। एक मिनट, तुमको समझ नहीं आया, अच्छे से बताते हैं। खुद ब्लिंक करके देखो अपना आँख, उसमें जितना टाइम लगता है ना उसी में सोरू यूज करने वाले को जमीन में 10 बार किक ऑफ करने का होता है। इसको कोबी भी यूज किया था, याद है जब लूफी से मिलने गार्प गया था। सोरू यूज करते टाइम ना ओपोनेंट को ऐसा लगता है कि सामने वाला गायब ही हो गया अचानक से, बट अगर ओपोनेंट ज्यादा फास्ट है तो फिर सोरू यूज करके डॉज या फिर अटैक करने का कोई मतलब नहीं। ओपोनेंट ज्यादा फास्ट है तो फिर तो मुंह ही खाएगा यूजर। लूफी भी एक्चुअली सोरू यूज कर सकते हैं। लूफी जो गियर सेकंड यूज करता है ना, उसमें देखा है कि कैसे लूफी एकदम वैनिशिंग अटैक्स कर सकता है जो कि एकदम ही फास्ट होती है, जैसे कि जेट पिस्टल, जेट गैतलिंग, ये सब लूफी ने CP9 के सोरू को देख के ही सीखा है और लूफी ने उनको देख के खुद का ही सोरू बना दिया है। और सोरू ना एक ऐसा टेक्निक है रोकुशिकी का जिसको सिर्फ CP वाले नहीं बल्कि बाहर के लोग भी यूज कर पाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कोबी और मोमोंगा। तो ये शायद सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और सोरू में फुकुरो ने मास्टर कर रखा है। दो अटैक्स जिसमें सोरू इन्वॉल्व है वो है सोरू तेक्काईदामा और कामिसोरी। पांचवा रोकुशिकी और मेरा फेवरेट रोकुशिकी गेपो, अंग्रेजी में बोले तो मून वॉक, जिसमें यूजर उड़ सकता है। एक्चुअली गेपो यूज करते टाइम यूजर उड़ नहीं सकता, इसको यूज करते टाइम ना यूजर अपने पैरों से एकदम स्ट्रॉन्ग किक्स मार सकता है नीचे तरफ, जिसकी वजह से वो मिड एयर में आगे बढ़ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, फाइट भी कर सकता है। और बिकॉज वो लंबे टाइम तक इस टेक्निक की वजह से मिड एयर में रह सकता है, उसको देख के ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है। अब क्यों ये वाला रोकुशिकी मेरा फेवरेट है? ऑब्वियसली क्योंकि सांजी भी इसको यूज कर सकता है, और हाँ गेपो यूज करते करते मिड एयर में अटैक भी कर सकते हैं विद एयर स्लैशेस, और सांजी तो दुनिया भर का जियाबल डंबे मार देता हवा में रहते रहते। लुच्ची तो इसको और सोरू को मिक्स करके अटैक्स कर सकता है भाई, लेकिन हर रोकुशिकी की तरह इसका भी काउंटर है, क्योंकि गेपो में अपने स्ट्रॉन्ग पैरों से नीचे की तरफ लगातार किक करने का होता है लंबे टाइम तक हवा में रहने के लिए। इसकी वजह से ना पैरों में पेन बहुत जल्दी होने लगता है और उसकी वजह से ना यूजर मिड एयर में ही अपना बैलेंस फकअप कर सकता है। और अगर ओपोनेंट ने गेपो यूज करने वाले का पैर पकड़ लिया तो फिर तो झाट वो अपने पैर नहीं छुड़ा सकता। दो अटैक्स और मोर लाइक दो मूव्स जिसमें गेपो इन्वॉल्व रहता है वो है कामिसोरी और स्काईवॉक। लास्ट बट नॉट लीस्ट रोकुशिकी शिगान उर्फ फिंगर पिस्टल। शिगान में ना यूजर अपने फिंगर को एज अ वेपन यूज कर सकता है। शिगान एक क्लोज कॉम्बैट टेक्निक है जिसमें यूजर बहुत ज्यादा स्पीड से अपने उंगलियों को किसी भी टारगेट में पुश करता है और एक बुलेट जैसा बाउंड दे देता है। मतलब इमेजिन समवन गेटिंग हिट बाय अ बुलेट, जो इम्पैक्ट और बॉडी में छेद बुलेट से होगा ना, सेम इम्पैक्ट और वुंड यूजर शिगान यूज करते टाइम अपने उंगली से दे सकता है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल टेक्निक है जिसको एकदम स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है, लेकिन इसका भी काउंटर है। अगर ओपोनेंट का बॉडी हद से ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर यूज़र के शिगान यूज़ करने से उसका उंगली भी टूट सकता है, जैसे कि आंट सांट का उंगली टूट गया था। आंट सांट कौन है मैं नहीं बता रहा, मांगा रीड करने वाले समझ गए होंगे जिसने मेरा वो मांगा पे सारे वीडियोस देख रखा है। एनमोलियल मत समझो तुमको ज़रूरत नहीं भी समझने का। और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि शिगान को सिर्फ अटैक करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग अटैक्स को डिफ्लेक्ट या फिर रोकने के लिए, क्योंकि अभी तक डिफेंसिव वे में शिगान को किसी ने यूज़ नहीं किया है। और हाँ, लुच्ची और जाबरा जैसे लोग जो कि जुआन फ्रूट खाए हैं अपने हाइब्रिड फॉर्म में अपने पॉइंटी एंड शार्प क्लॉज से शिगान यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा डेडली होता है। एक फन फैक्ट और मे बी एक पेन फैक्ट, ओडा ने ना एक SBS में बोला था कि अगर कोई CP का बंदा शिगान यूज़ करके किसी के गांड में उंगली करेगा तो जिस पे उंगली किया ना वो मर जाएगा। और शिगान को दो कैरेक्टर्स ने एकदम हद लेवल पे मास्टर कर रखा है, एंड दिस कैरेक्टर्स आर रॉब लुच्ची एंड आंट्स आंड। दो अटैक जिसमें शिगान टेक्निक इन्वॉल्व होता है, दैट इज शिगान ओरेन और शिगान माद्रा। जी हाँ, माद्रा। इसी के साथ सभी रोकुशिकी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, लेकिन वेट, एक और रोकुशिकी है। हाँ, टोटल में 6 पावर्स नहीं बल्कि 7 पावर्स है, और ये 7वां पावर एक सीक्रेट टेक्निक है, और ये 7th टेक्निक सारे 6 टेक्निक्स जो कि अभी मैं बताया उनको सरपास करता है। एंड दिस टेक्निक को बोलते हैं इस टेक्निक को बोलते हैं रोकुओ गान। अकॉर्डिंग टू लुच्ची, जो लोग भी 7 रोकुशिकी को हद से ज़्यादा मास्टर कर लेते हैं वही बस इस रोकुओ गान को यूज़ कर सकते हैं।
इसको यूज़ करते टाइम ना यूज़र अपना दोनों हाथ एक पर्टिकुलर टारगेट के सामने रख देता है और फिर अपना पूरा फिजिकल पावर यूज़ करके एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, और ये जो शॉक वेव रहता है ना ये बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है और ये देखने में इम्पैक्ट डायल से रिलीज़ हुआ शॉक वेव लगता है। इसकी हेल्प से लुची ने लूफी के रबर बॉडी को डैमेज कर दिया था, इवन दो लूफी इज इम्यून टू ब्लंट अटैक्स। ये इंटरनल डिस्ट्रक्शन जैसा ही है, बस उसमें आर्मामेंट हक ही यूज़ होता है और इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ। बट सारे रोकुशिक इसके जैसे इसमें भी दिक्कत है, एंड दैट इज़ कि इसको यूज़ करने के बाद यूज़र की गेंद फट जाती है, वो हाँफने लग जाता है, थकावट सा हो जाता है उसको, विच हैपन टू लुची। और इसलिए ना लुची इसको ऐसा ट्रम्प कार्ड ही यूज़ करता है, और रोकोगान को अभी तक सिर्फ एक ही लॉन्डे ने यूज़ किया है। इतना ज़्यादा नाम ले लिया मैं उसको अभी तक, तुमको पता ही चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा, कौन है वो एक लौंडा ड्रॉप चुची। दो अटैक्स जिसमें रोकोगान इन्वॉल्व रहता है, दैट इज रोकुशिकी ओगी रोकोगान एंड सायदायरिन रोकोगान। तो ये थे सारे रोकुशिकीज, होप कि तुम अच्छे से समझ गए हो कि सारे 6 पावर्स 7 पावर्स। बाय द वे जो रोकुशिकी है इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये हाकी का ही रिप्लेसमेंट है, मतलब जिनको हाकी नहीं आता उन लोग इसको सीख लो, मैक्सिमम हाकी वाले हरकतें कर सकते हो फिर, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि रोकुशिकी इसको यूज़ करके वो सब कर सकते हैं जो बेसिक हाकी से किया जा सकता है। और अगर किसी को नहीं पता तो हाकी के साथ भी रोकुशिकी को यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल है आंट्स आंट, जो कि आर्मामेंट हाकी को अपने फिंगर्स में इन्फ्यूज़ करके शिगान यूज़ कर पाता है। सांझी भी आर्मामेंट हाकी को अपने पैरों में इन्फ्यूज़ करके गेपो कर सकता है, एंड दैट वे रोकुशिकी इसका पावर ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दैट इज़ ऑल, यहीं पे खत्म होता है ये डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक सब कर दो, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो बाय बाय, सायोनारा।